said, we'll have a look. दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय वैसे तो इंग्लैंड को जाता है, लेकिन इसके क्रेज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का काम मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य कॉमनवेल्थ देशों ने किया। आज भारत में क्रिकेट के अलावा ऐसा कोई दूसरा खेल नहीं है जो लाखों लोगों को एक साथ न सिर्फ क्रिकेट मैदान तक खींचता है, बल्कि खेल प्रेमी टीवी, रेडियो, इंटरनेट के माध्यम से मैच के लाइव अपडेट्स लेने से नहीं चूकते। क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। पिछले वर्षों में क्रिकेट इक्विपमेंट मार्केट का काफी विस्तार हुआ है। बैट के आकार प्रकार के साथ ही इसे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता भी पहले की तुलना में बेहतर हो गई है। ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स इवेंट, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और नई तकनीक से बने उच्च गुणवत्ता के बैट्स ने इसकी मांग में काफी वृद्धि की है। क्रिकेट के बल्ले विभिन्न आकारों में भले ही उपलब्ध हों, लेकिन एक बल्ले की लंबाई लगभग 38 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और चौड़ाई भी 4.25 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शहर से लेकर कस्बों और गांव तक क्रिकेट के जुनून ने बैट मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय को गति प्रदान की है। बैट बनाने की यूनिट सेटअप करने के लिए लगभग 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें वर्किंग एरिया के साथ ही आप रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। इस कार्य को 8 से 10 वर्कर्स के साथ शुरू किया जा सकता है, जिसमें 4 से 5 कुशल कारीगर, 2 या 3 हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं। बैट बनाने के लिए दो तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कश्मीरी लकड़ी यानी इंडियन विलो और इंग्लिश विलो। इंग्लिश लकड़ी का आयात इंग्लैंड से किया जाता है, इसलिए इससे बना बैट महंगा होता है। जिस लकड़ी से बैट बनाया जाता है, सबसे पहले उसका वजन किया जाता है। वजन करने के बाद बैट की बॉडी पर वी मार्किंग और कटिंग की जाती है। इसके लिए बैंड सॉ और सर्कुलर सॉ मशीन का उपयोग किया जाता है। बैट को मशीन से इनिशियल शेप देने के बाद इसके हैंडल पर काम होता है। बैट के हैंडल के लिए लकड़ी के छोटे ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है, जिन्हें वुडन लेथ मशीन की मदद से हैंडल का राउंड शेप दिया जाता है। इसके बाद हैंडल के बाकी पोर्शन को वी शेप देने के लिए सॉ का उपयोग किया जाता है। फिर दोनों पार्ट्स को ग्लू की सहायता से वी सेक्शन में असेंबल किया जाता है। इसके बाद ग्लू सूखने और दोनों पार्ट्स को अच्छे से जुड़ने के लिए रख दिया जाता है। फिर इन बैट्स की सैंडर मशीन पर घिसाई की जाती है। मशीन पर घिसाई के बाद पूरे बैट को मैन्युअली फाइनल शेप दिया जाता है। पूरी तरह से फिनिशिंग न होने तक काम चलता रहता है और फिनिशिंग के बाद थ्रेड बाइंडिंग की जाती है, जिसमें सभी बल्लों के हैंडल पर धागा चढ़ाया जाता है। इसके बाद बैट को फाइनल टच देने के लिए रबर ग्रिप हैंडल पर चढ़ाई जाती है। इसके बाद स्टिकर लगाकर अच्छे से पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता के बैट बनाने के लिए जिन मशीनों और उपकरणों का इस्तेमाल करना है वो हैं बैंड सॉ मशीन, सर्कुलर सॉ मशीन, वुड प्लानर मशीन, वुडन लेथ मशीन, वुडन हैक सॉ, हैंड ड्रिल मशीन, बेल्ट सैंडर, बफिंग मशीन, कारपेंट्री टूल्स जैसे हैमर, सैंड पेपर, चिसल, ग्रूव्स आदि। बैट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन मशीनों का उपयोग होगा, उसके लिए आपको लगभग 8 से 10 किलोवाट के इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। इस व्यवसाय के लिए पूंजी निवेश की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 लाख रुपए का निवेश करना होगा और इसके माध्यम से आप 12 से 14% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले GST और उद्यम लाइसेंसेस अवश्य ले लें। अगर आपके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई गई PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है और साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ उठाकर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी और देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपको बैच मैन्युफैक्चरिंग के बेहद फायदेमंद व्यवसाय के बारे में जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को और डाउनलोड करिए उद्यमी ऐप, जहां आपको व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। व्यापार से जुड़े हर तरह के सवालों के जवाब के लिए हमारे कॉल सेंटर में 7526000333 और 7526000555 पर आज ही कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर।